बेटा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। जैसा कि कल मैंने कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ाया था, आज मैं पढ़ा रही हूँ कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, जो उसी की तरह थोड़ा सा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट कह लो या कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। तो हम यहाँ बात करते हैं कि रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी होता क्या है। तो जैसा कि कल मैंने बताया, कॉन्ट्रास्ट मतलब एज ए डाई एंड रेडियोग्राफी मतलब रेडियोग्राफी में यूज होने वाली डाई। ठीक है, तो कल हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात की थी, तो सेम तो उसी से ये मिलता जुलता है। तो ये है कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, मतलब रेडियोग्राफी में यूज होने वाले कॉन्ट्रास्ट मटेरियल या कॉन्ट्रास्ट डाई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट इज एनी सब्सटेंस दैट रेंडर्स एन ऑर्गन या स्ट्रक्चर मोर विजुअल देन इट्स पॉसिबल विदाउट इट्स एडिशन। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी या रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन और उनके स्ट्रक्चर को और ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, या उसकी इमेज को और ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती विदाउट कोई एडिशन, बिना किसी एडिशन के ऑर्गन या स्ट्रक्चर को और ज्यादा विजुअलाइज जिसके थ्रू किया जाएगा वो हमारा कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी है। तो रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एक तरीके का सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, जिसकी वजह से हमें अपने बॉडी के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन और उनके स्ट्रक्चर को की इमेज बहुत अच्छी सी मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। ठीक है, अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन नॉट बी सीन वेल और एट ऑल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो जो हमारा कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट है, ये क्या करता है, अलाउ करता है विजुलाइजेशन को, मतलब किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को विजुलाइजेशन को अलाउ करता है, जो हमें ढंग से दिखाई नहीं देते। अगर हम किसी नॉर्मल कंडीशन में उसको देखें तो वो हमें ढंग से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी में अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो हमें ऑर्गन और उसके स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी है, इसकी वजह से जो किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही उसकी कह लो या जो इमेज रेजोल्यूशन होता है बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमें डिफेक्ट या अबनॉर्मलिटीज का पता चलता है। जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें हमें वेन्स दिखाई दे रही है, किडनी, ब्लडर, ये सारी दिखाई दे रही है। तो उसी तरह देखो इसमें है दिखाई लिखा है ना कि डाई इज इंजेक्टेड एंड एक्सरे इज टेकन। तो जरूरी नहीं है कि जो डाई होगी या कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होगा वो हम इंजेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने कल कॉन्ट्रास्ट मीडिया के एडमिनिस्ट्रेशन जो रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा ही था, तो इस जो स्लाइड में हमें दिखाया दे रहा है कि जो डाई है हमने इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट किया है और उसके बाद हमने उसकी इमेजेस ली, तो हमें इमेजेस साफ साफ दिखाई दे रही है। तो जैसा कि इसमें राइट साइड में हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, यहाँ हमें कलरफुल इमेजेस दिखाई दे रही, और वहीं जब हमने उसका एक्सरे लिया तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की इमेजेस दिखाई दे रही है। इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ह्यूमन बॉडी को या बॉडी को हमने कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी डाई को यूज किया, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को दिया है, इसलिए हमें वहां की जो इमेजेस है प्रॉपर दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट इज केमिकल सब्सटेंसेस which is induced in human body via enteral, perineural route to visualize certain structure not in plain radiography। तो मतलब जो contrast एक तरीके का chemical substance है जिसको हम human body के अंदर induce करते हैं, जिसकी वजह से हमें human body का जो internal structure होता है वो साफ साफ दिखाई देता है, जो हमें plain radiography में
दिखाई नहीं देता। अगर हम प्लेन रेडियोग्राफी करें तो हमें सिर्फ बोन्स ही नजर आएंगे, बट बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम उसी रेडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज करें, बॉडी में कॉन्ट्रास्ट डाई को यूज करें या इंसर्ट करें, तो उसके बाद जो हमें इमेजेस दिखाई देगी वो प्लेन रेडियोग्राफी से बहुत मच बेटर होगी, और उसमें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी विजुलाइज होंगे। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड टू सी वैस्कुलैरिटी ऑफ सर्टेन लेसन इन सीटी स्कैन एंड एमआरआई। ये मोस्टली हम यूज करते हैं जो हमारे सीटी स्कैन या एमआरआई में जो भी हम ग्राफ लेते हैं या इमेजेस लेते हैं, तो उसको वैस्कुलर करने के लिए हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज नीडेड बिकॉज, क्यों यूज करते हैं हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को? तो ये को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू हैज लो अब्सॉर्प्शन एंड इंट्रैक्शन रेशियो। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टिश्यूज होते हैं उनकी अब्सॉर्प्शन पावर लो होती है, साथ साथ लो इंट्रैक्शन रेशियो होता है, तो हम उसलिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया बॉडी में इंसर्ट करने से जो हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं लो अब्सॉर्प्शन की वजह से उसे कैप्चर कर लेते हैं, और रेडियोग्राफी लेने पे या एक्सरे सीटी एमआरआई लेने पे हमें उस एरिया का विजुलाइजेशन जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब्सॉर्प्शन इज डिपेंडेंट अपॉन। अब बात होती है कि जो टिश्यू का अब्सॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो अब्सॉर्प्शन इज डिपेंडेंट अपॉन थिकनेस, कि हाँ जो टिश्यूज है उसकी थिकनेस कैसी है, डेंसिटी कैसी है, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसा कि हमने पढ़ा है फिजिक्स में, मास अपॉन वॉल्यूम की जो हमारे टिश्यू की जो डेंसिटी है वो कितनी है, मतलब थिकनेस कितनी है, डेंसिटी कितनी है, और एटॉमिक नंबर जो हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, मीडिया जो एक केमिकल सब्सटेंसेस है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इस पे ये डिपेंड करता है। तो अब्सॉर्प्शन हमारे 3 पार्ट पे डिपेंड करता है, थिकनेस, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर। तो इन बेसिस पे जो हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया उनके अब्सॉर्प्शन पावर वर्क करती हैं। ये हमारे मेंडल्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में कॉन्ट्रास्ट मीडिया के टाइप्स पढ़े, तो उस हिसाब से इसमें भी जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके टाइप्स है। तो हमारे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में हमारे एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इन्वॉल्व होती है, जबकि हमारे पोटेशियम जो हमारा पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसमें हमारे बेरियम और आयोडीन सॉल्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में हमें दिखाई दे रहा है एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, जबकि पॉजिटिव में हमारे बेरियम और आयोडाइड इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हमारे कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होती है, कहाँ से मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ था। तो स्ट्रेन इट ऑल आफ्टर 2 मंथ ऑफ रेटोजन डिस्कवरी, मतलब जब हमारे रेटोजन डिस्कवरी, रेटोजन ने सीटी स्कैन जो हमारी एक्सरे मशीन है उसको डिस्कवर किया था, तो 2 महीने के बाद एटॉमिकली प्रिपरेशन विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड लीड एसीटेट। इसमें क्या हुआ था, आफ्टर 2 मंथ ऑफ रेंटोजन्स डिस्कवरी, रेंटोजन की डिस्कवरी के 2 महीने बाद फिर एटॉमिकली प्रिपरेशन विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड लीड एसीटेट, जिसमें है जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस और लीड एसीटेट से भरा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मार्कल ग्यूबर्ट। जो मार्कल ग्यूबर्ट थे उन्होंने क्या किया था, डेवलप लिपिडॉल, उन्होंने लिपिडॉल को डेवलप किया था। लिपिडॉल एक लिक्विड कॉन्ट्रास्ट पॉजिटिव है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो जो मार्सल ग्यूबर्ट थे उन्होंने लिपिडॉल को डेवलप किया था 1901 में फॉर नॉन इमेजिंग पर्पस के लिए इसको डेवलप किया था, बट इन 1980 इट्स ऑसिफाइंग प्रॉपर्टी वर डिस्कवर, लेकिन इसमें 1918 में कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया गया। थोरोट्रास्ट,
अर्ली यूज कॉन्ट्रास्ट एजेंट बेस्ड ऑन थोरियम थोरोक्लोरास ने क्या किया था, कॉन्ट्रास्ट एजेंट में थोरियम डाइऑक्साइड का यूज किया था. यूज वॉज अबेंडेंट सिंस इट टर्न आउट टू बी कार्सिनोजन. जब इसका यूज किया गया तो कुछ दिन के बाद ये कार्सिनोजिनो जो प्रॉपर्टी जो कैंसर करने वाली प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे आयोडीन, सीरोसेलेक्टेन और बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल. इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का भी यूज बाद में किया गया. अब बात करते हैं स्टडीज इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट. कौन कौन सी स्टडी में हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इन्वॉल्व करती है, ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी स्टडी में या रेडियोग्राफी स्टडी में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन. ठीक है, तो है सेलोग्राफी, आर्थ्रोग्राफी, एंजियोग्राफी, लिम्फोग्राफी, सीरोग्राफी, बेरियम स्वेलन मील और कंप्यूटेड टोमोग्राफी. अगर हम सेलोग्राफी की बात करें तो सेलोग्राफी में हमारे थाइमस ग्लैंड इन सब की इमेजेस को देखा जाता है. ऑर्थोग्राफी में ऑर्थो मतलब बोन्स जॉइंट्स रिगार्डिंग एरिया को देखने के लिए किया जाता है. एंजियोग्राफी में हम ब्लड वेसल्स को देखने के लिए करते हैं. लिम्फोग्राफी में हम लिम्फ सिस्टम को देखने में करते हैं. यूरोग्राफी में हम यूरिनरी सिस्टम को देखने के लिए करते हैं. बेरियम सोलोमील में हम ये जीआईटी ट्रैक को देखने के लिए करते हैं. कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन के लिए हम ये करते हैं. तो जो हमारा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है या मीडिया है इन पर्पस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है. अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है. तो उसमें रेडियो प्लग होना चाहिए, मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए. जो मतलब जो हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उन्हें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. रेडियो प्लग होना चाहिए, मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए, लेस विस्कोसिटी होनी चाहिए और लो सरफेस टेंशन होना चाहिए. तो जो हमारे कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी है उसमें ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ये कह सकते हैं ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी ये वर्क कर सकता है. अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी. जैसा कि हमने कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ा तो सबसे मेन पार्ट आता है नेचर ऑफ मटेरियल की. जो हमारा कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए. नेचर ऑफ मटेरियल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, आयोडीन बेस और नॉन आयोडीन बेस. तो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी है अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये टू टाइप्स में डिवाइड है, ये क्लासिफाइड है आयोडीन बेस और नॉन आयोडीन बेस. अगर हम सॉल्वेंट की बात करें सॉल्वेंट को भी टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, कन्वेंशनल आयनिक वाटर सोल्यूबल एंड ऑयल सोल्यूबल. तो हमारे जो सॉल्वेंट है जो कन्वेंशनल आयनिक वाटर सोल्यूबल है और जबकि दूसरा ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी का यूज होता है. नेक्स्ट है हमारा आयनिक स्ट्रक्चर. आयनिक स्ट्रक्चर को हमने फोर सब डिविजन में डिवाइड किया है. फर्स्ट है मोनो एसिडिक मोनोमर जिसका एग्जाम्पल है डाइट्रिजोइड एंड इथोलेमाइड. नेक्स्ट है मोनो एसिडिक डाइमर जिसमें हेक्साब्रिक्स एग्जाम्पल है. नॉन आयनिक मोनोमर्स में हमारे ओपोविडोल ऑक्सेल या आइवोसल इन्वॉल्व है. नेक्स्ट है हमारे नॉन आयनिक डाइमर जिसमें है ऑडियोजेनॉल और इरोल इन्वॉल्व होते. तो ये हमारे आयनिक नेचर है जिसको हमने फोर ग्रुप में डिवाइड किया है. नेक्स्ट है हमारा आयोडीन बेस एक्वस सॉल्यूशन. जो हमारा आयोडीन बेस एक्वस सॉल्यूशन है उसमें क्या है, ये क्या है, आयनिक मोनोमर्स होते हैं जैसे कि लिथोलमेट, मैट्रिजोइड, डाइट्रिजोइड. ये हमारे आयनिक मोनोमर्स हैं आयोडीन बेस एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट है आयनिक डाइमर्स होते हैं. जो हमारे आयोडीन बेस एक्वस सॉल्यूशन है वो हमारा आयनिक डायमीटर्स है, डाइमर्स है. एग्जाम्पल है लैक्सोगेट. ठीक है, जो हमारे आयोडीन बेस एक्वस सॉल्यूशन है वो नॉन आयनिक मोनोमर्स भी हो सकते हैं जैसे आइपोमिडोल, आइजोल, आयोप्रोमाइड. ये हमारे आयोडीन बेस
नॉन आयोडिक मोनोमर्स है। नेक्स्ट है हमारे आयोडीन बेस्ड ऑयल सॉल्यूशन। आयोडीन बेस्ड ऑयल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है वो है इथियोडोल, पेंटोपेक और लिपिडोल। ये हमारे आयोडीन बेस्ड ऑयल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। नेक्स्ट है यूजफुल फैक्ट टू रिमेम्बर कि हमें कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के लिए कौन कौन से ऐसे यूजफुल फैक्ट है जो हमेशा याद होने चाहिए। तो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी है उसके लिए हमारी कॉन्ट्रास्ट कॉस्मोलैटिक होनी चाहिए, रेडियो कैपेसिटी होनी चाहिए, आयोडीन प्रैक्टिकल पार्टिकल्स रेशियो होना चाहिए और नॉन आयनोसिटी होनी चाहिए। तो ये जो यूजफुल फैक्ट है ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऑस्मोलैरिटी, रेडियो कैपेसिटी, आयोडीन पार्टिकल्स रेशियो, नॉन आयनोसिटी। अब पढ़ते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। तो जैसा कि हमारा है बेरियम, बेरियम हमारा पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। तो अब हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जो हमारा बेरियम में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्या है? तो बेरियम सल्फेट एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जो क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल, वो वाटर में नहीं डिजोल्व होता। तो हमारा जो बेरियम सल्फेट जो एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट डाई है वो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। एक्सट्रीमली लो सॉल्युबिलिटी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है बहुत ही लो होती है। एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम अब्सॉर्बिंग हार्मफुल अमाउंट ऑफ मेटल। और ये क्या करता है, ये पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अमाउंट ऑफ मेटल को अब्सॉर्ब करने से, ये रोकता है। क्यों? क्योंकि इसकी लो सॉल्युबिलिटी होने की वजह से ये पेशेंट को हार्मफुल अमाउंट ऑफ मेटल्स को अब्सॉर्ब करने से रोकता है। नेक्स्ट है रीडली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और ये हमारी बॉडी से नॉर्मली ही रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन में हमारा पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है या एजेंट है। तो आयोडीन में आयोडीन का जो वेट है वो 127 है, ठीक है। प्रोवाइड रेडियो कैपेसिटी, आयोडीन जो है वो रेडियो कैपेसिटी को प्रोवाइड करता है। अदर एलिमेंट ऑफ आरसीएम एक्ट एज कैरियर, और जो अदर एलिमेंट है वो कैरियर के तौर पे वर्क करते हैं। फैट ऑफ ड्रग ऑन आईवी इंजेक्शन, ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूट रैपिडली बाय कैपिलरी परमिएबल इनटू एक्स्ट्रावास्कुलर सेल। इसमें क्या है, जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको हम आईवी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि कैपिलरी पर्मियबिलिटी होने की वजह से ये एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस देता है और रैपिडली एक्सक्रीट और बहुत जल्दी ही हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये कह सकते हैं जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको हम आईवी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते हैं और ये हमारे एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में भी चला जाएगा। सीएनएस को छोड़कर ये हमारे हर एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में चला जाएगा और बहुत ही जल्दी ही ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है। अब बात करते हैं हाई ऑस्मोलैरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हाई ऑस्मोलैरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया में हमारे आयनिक मोनोमर्स हैं, एग्जांपल डेट्रिजॉइड, लोथोलेमाइड, मैट्रिजॉइड, ऑक्सीथैलमेट, ऑडोमाइड, थियोग्लिकेट, ये हमारे आयनिक मोनोमर्स के एग्जांपल है। और किससे मिलके बने हैं, सॉल्ट ऑफ सोडियम मैग्नीशियम विद ट्राई आयोडिनेटेड फुली सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड रिंग। ये हमारे सोडियम में मैग्नीशियम जो है वो ट्राई आयोडिनेटेड सब्स्टिट्यूट जो है हमारे बेंजोइक एसिड से अटैच होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है लो ऑस्मोलैरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयनिक डाइमर, जिसमें लोक्सेगेट कह लो ये हेक्साब्रेक्स हमारे आयनिक डाइमर्स होते हैं। नेक्स्ट है नॉन आयनिक मोनोमर, जिसमें हमारे मैट्रिजामाइड, लो हेक्सोल, लोपेमिडोल, लोप्रोमाइड, लेवरसोल, लिपोनटोल और लोक्सिलेन एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ही लो होती है।
नॉन आयनिक डाइमर, जिसमें लोट्रोलोल और इट्रोलोल और इओडोक्सिनोल इन्वॉल्व होते हैं। अब बात आती है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। हमारी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? नंबर वन विस्कोसिटी, नंबर टू ऑस्मोलैरिटी और नंबर थ्री है कीमोटॉक्सिसिटी। तो ये हमारी कॉन्ट्रास्ट मीडिया के जनरल प्रॉपर्टीज हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट, आइडियल प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रास्ट एजेंट की कौन कौन सी है? तो नंबर वन सेफ होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, शुड नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सिमिलर फिजियोलॉजिक प्रॉपर्टी व्हेन कंपेयर टू ब्लड सलाइवा, और इसकी जो फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है वो ब्लड और सलाइवा के कंपेयर की होनी चाहिए। ये इनर्ट होनी चाहिए, इनर्टनेस होनी चाहिए, वो पैसिफिकेशन होना चाहिए, लो सरफेस टेंशन होना चाहिए इसका, इजी इंजेक्टेबल होनी चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए, रेसिडुअल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी हमारी नॉर्मल या आइडियल प्रॉपर्टी है जो एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया में या एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉर्मल एक प्रोसीजर की, जो या ये कह लो एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेलोग्राफी, सेलोग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रेडियोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड, तो इसमें हम क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड को डेमोन्स्ट्रेट करते। तो उसको हमने किसके थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया, रेडियोग्राफी के थ्रू। तो रेडियोग्राफी के थ्रू हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। द सब मैंडिबुलर एंड पैराटाइड ग्लैंड आर इन्वेस्टिगेशन बाय दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू हम सब मैंडिबुलर और पैराटॉइड ग्लैंड को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज व्हेन डेफिनेटिव डायग्नोसिस नेसेसरी, और ये तभी हम यूज करते हैं जब नॉर्मल, जब डायग्नोसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है किसी प्रॉब्लम के लिए जब डायग्नोसिस की जरूरत होती है तभी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन फॉर एग्जामिनेशन कि किस किस केस में ये हम कर सकते हैं, जैसे अगर किसी को स्टोन हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, मासेस, ट्यूमर, चेंजेस सेकेंडरी टू ट्रामा, व्हेन पेन रेडियोग्राफी इज इनकंक्लूसिव, तब हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम मतलब किस किस केस में हम इसको नहीं कर सकते। इसमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया एलर्जी, अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया एलर्जीज है तो हम इस केस में नहीं करेंगे। सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ सलाइवरी डक्ट, अगर सलाइवरी डक्ट में सीवियर इन्फ्लामेशन है तो भी हम ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एनाटमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके थ्री पेयर्स होते हैं, पैराटाइट, एसएम और एसएन, जो ठीक है। तो हमारे ये जो कि इसमें दिखाई दे रहा है पैराटाइट ग्लैंड क्या है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लाई जस्ट बिलो जेडवाई आर्क इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर। पैराटाइट डक्ट is 5 cm long, run over the mesister and open into oral vestibule opposite second molar. ये हमारे submandibular glands हैं, जो क्या है, extend posteriorly from below first lower molar to angle of mandible तक फैला हुआ है, form part of soft tissue, और ये सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बना है, ऑन द मीडियल मार्जिन ऑफ मैंडिबल एंड हायर्ड बोन। सब मैंडिबल डक इज 5 cm लॉन्ग, रन फॉरवर्ड एंड मिडली एंड अपवर्ड, ओपन इनटू माउथ ऑन साइड ऑफ फेरिनम। अब है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पेयर होती है, लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ माउथ ऑन द सरफेस ऑफ माइलोहायड्स मसल्स के पास होती है। नंबर स्मॉल सबलिंगुअल डक्ट प्रेजेंट होती है, जो ओपन होती है हमारे फ्लोर ऑफ माउथ की साइड ओपन होती है, डक्ट में जॉइंट टू फॉर्म ए सिंगल विच इम्पटी इन टू सब मैंडिबल डक्ट। अब है सोलोरोग्राफी टेक्निक में है, सिंपल इंजेक्शन दे सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक है, कंटीन्यूअस इन्फ्यूजन प्रेशर मॉनिटर, ये हमारी नॉर्मल सेलोग्राफी टेक्निक्स हैं। ऑल बेस या एक्वस बेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंट्रोड्यूस अंटिल पेशेंट एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट इन द ग्लैंड, ठीक है। ऑयल बेस या एक्वस बेस का कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम
पेशेंट में इंड्यूस करेंगे जब तक उसको डिस्कम्फर्ट जब तक ग्लैंड में डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस ना हो। प्रोसीजर इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है और सस्ता है, ठीक है। बेस ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स अंडर या ओवर फिलिंग ऑफ ग्लैंड में, अगर अब पेशेंट की रिस्पॉन्स के बाद ही हम उसको कम या ज्यादा फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक में है एक्वस कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज अलाउड टू फ्लो अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम रिजर्वर अंडर पेशेंट एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट। मतलब हम इसमें एक्वस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पेशेंट पेशेंट का जो पेशेंट में इंसर्ट करेंगे वो भी ग्रेविटरी फोर्स के थ्रू, और जब तक पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो जाए। ये इनएक्सपेंसिव है और सिंपल टेक्निक है। पेशेंट हैव टू बी सुपाइन पोजीशन, और पेशेंट को इसमें सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है। कंटीन्यूअस इन्फ्यूजन या प्रेशर मॉनिटर, इसमें यूजिंग एक्वस कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसमें एक्वस कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाएगा। एक कॉन्स्टेंट फ्लो इज अडॉप्टेड, इसमें नॉर्मल एक कॉन्स्टेंट फ्लो को लिया जाएगा एंड डक्टल प्रेशर इन्वॉल्व किया जाएगा। नो ओवर फीलिंग, इसमें ना तो बहुत ज्यादा फील करना और ना ही कम फील करना, एवरेज फीलिंग होनी है। इसमें कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट रिक्वायर एंड टाइम कंज्यूम, ये इसमें नॉर्मल कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है और ये ज्यादा टाइम लेता है। प्रोसीजर प्री ऑपरेटिव फेज, फिलिंग फेज और इम्पटी फेज। प्री ऑपरेटिव फेज में दिस इन्वॉल्व टेकिंग प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए देने से पहले हम ये फॉलो करेंगे, टू नोट पोजिशन प्रेशर प्रेजेंस ऑफ रेडियो पैक्स ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो इसमें हम पोजिशन और रेडियो पैक ऑब्स्ट्रक्शन की प्रेजेंस को देखेंगे, टू एसेस द पोजिशन ऑफ शैडो कास्ट बाय नॉर्मल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर दैट मे ओवरलाइन द ग्लैंड सच एज थायरॉइड। फिलिंग फेज, फिलिंग में रेलिवेंट डक्ट ऑरिफैक्स इज प्रॉप डायलेटेड एंड कैनुलेटेड, इसमें जो रेलिवेंट जो डक्ट है वो उसमें प्रॉब लगा होगा और साथ साथ डायलेटेड एंड कैनुलेटेड होगा, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंट्रोड्यूस इन द डक्ट, और तब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, मतलब इसमें क्या है, हमें कैनुला का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डक्ट में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और बाद में हम उसके बाद ही रेडियोग्राफी ले सकते हैं। एम्प्टी फेस कैनुला इज रिमूव, उसमें कैनुला को रिमूव कर देंगे एंड पेशेंट इज एडवाइज टू डिस आउट, और पेशेंट को बोलेंगे कि इसे बाहर निकाल दें, ठीक है। लेमन जूस इज गिवन टू रिमूव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, उसके बाद हम पेशेंट को लेमन जूस देंगे ताकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसे दिया गया था वो वहां से रिमूव हो जाए। आफ्टर 1 to 5 एक से पांच मिनट के बाद ही हम ये देंगे एंड रेडियोग्राफी या टेकन, उसके बाद हम रेडियोग्राफ को ले लेंगे। दिस फिल्म कैन बी यूज एज गुड असेसमेंट ऑफ फंक्शन। अब कौन कौन से इक्विपमेंट का हमने यूज किया था, कैनुला, लेक्राइमर, डायलेटर, सिरिंज, कॉन्ट्रास्ट एजेंट, सिनोग्राफिन, गॉज, स्पॉन्ज पेन, सिक्रीटो गज, फोकस लाइट और मैग्नीफाइंग लेंस का हम यूज करते हैं। इसमें हमारे प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ में है डिटेक्ट कंडीशन दैट डोंट रिक्वायर कंडीशन कॉन्ट्रास्ट, इसमें हम उसका डिटेक्शन करते जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गिव पेशेंट सिक्रेटरी स्टिमुलेंट, और हम पेशेंट को सिक्रेटरी स्टिमुलेंट देंगे 2 to 3 minutes के लिए बिफोर कॉन्ट्रास्ट एडमिशन, कॉन्ट्रास्ट देने से पहले हम पेशेंट को सिक्रेटरी स्टिमुलेंट देंगे। पेशेंट आस्क्ड टू शक ए लेमन वेज, और पेशेंट से लेमन लेने के लिए भी पूछेंगे। डक्ट ऑरिफिस स्प्रे विथ टॉपिकल एनेस्थीसिया, जो डक्ट ऑरिफिस है उसको हम टॉपिकल एनेस्थीसिया से स्प्रे कर देंगे। डक्ट इज कैनुलेटेड, जो डक्ट उसमें कैनुला अटैच होगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कौन सा है, इसमें ऑयल बेस या वाटर सोल्यूबल आयोडीन का यूज करेंगे। शुड बी इंजेक्टेड मैनुअली अंटिल पेशेंट फील डिस, और मैनुअली इंजेक्टेड किया जाएगा जब तक पेशेंट को फील डिस्कम्फर्ट फील ना हो। क्वांटिटी नीड मे वेरी बिटवीन 1 to 2 ml, और जो क्वांटिटी है वो वेरी करेगी, 1 to 2 ml वेरी कर सकती है। इमेज टेकन इमीडिएटली, इमेज को है हम तुरंत ले लेंगे आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इज कम्प्लीटेड, जैसे कॉन्ट्रास्ट कम्प्लीट होगा हम इमेजेस को ले लेंगे। आफ्टर टेकिंग रिक्वायर इमेज पेशेंट शक ऑन लीवर, जैसे ही हमने इमेज ले लिया उसके बाद हम पेशेंट को लेमन वाटर देंगे, ठीक है। टेक पोस्ट प्रोसीजर रेडियोग्राफ आफ्टर, और उसके बाद हम 5 मिनट के बाद फिर एक पोस्ट प्रोसीजर रेडियोग्राफी
देंगे ये कंफर्म करने के लिए कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो वहां रह तो नहीं गए।